हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिस की मार्कशीट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 111 AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अप्रेंटिस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट वेबसाइट पर आ गया है। अगर आपने रिज़ल्ट नहीं देखा है या रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं किया है, या फिर आप चाहते हैं कि कैसे डाउनलोड करें ये आपको देखना है, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको इस रिज़ल्ट को या फिर ऐसी मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करना है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने आपको इस मार्कशीट को डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस बता दी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मार्कशीट के बारे में कि इसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, कौन सी सब्जेक्ट के नंबर नहीं मिले हैं, यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी मार्कशीट से संबंधित। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने मार्कशीट के PDF को ओपन कर रखा है। और इसके बाद आपको यहां पर सबसे पहले देखना है, सबसे ऊपर आपका लिखा हुआ रहेगा कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद इस साइड में आपका लिखा हुआ रहेगा अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये दोनों आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर AITT अंडर ATS कंडक्ट बाय DGT। तो जो AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो है, जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा कंडक्ट किया गया है DGT के माध्यम से, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप MSDE, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग और अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम ATS, इस टाइप से सबसे ऊपर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर भारत सरकार का लोगो, स्किल इंडिया और DGT का लोगो यहाँ पर बना हुआ रहेगा आपकी मार्कशीट के ऊपर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका नेम, फादर नेम, ट्रेड का नाम, इस्टाब्लिशमेंट का नेम और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी जानकारी आपकी यहाँ पर लिखी हुई रहेगी। और इसके बाद सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम मंथ, ईयर, AITT नंबर, और उसके बाद अगर आप ITI पास आउट है तो यस रहेगा और नहीं है तो नो रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा था कि जो एग्ज़ाम है वो हमने थ्योरी की एग्ज़ाम भी दी है और प्रैक्टिकल भी दिया है, और कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी की एग्ज़ाम भी दी है या किसी ने नहीं दी है, तो सारे जो कैंडिडेट है उन सभी की एक ही जैसी मार्कशीट आई है। तो इसमें सभी कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो रहा था कि हमारे अप्रेंटिस में जो थ्योरी के जो मार्क है वो क्यों नहीं आए हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम दी है उसके मार्क्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाला जो रिज़ल्ट है ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का रिज़ल्ट है, और यहां पर ओनली दो सब्जेक्ट लिखे हुए आ रहे हैं। सबसे पहला ट्रेड प्रैक्टिकल और दूसरा आ रहा है सेशनल। तो यहां पर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में जो ट्रेड प्रैक्टिकल जो है वो 300 नंबर का होता है और सेशनल जो है वो 100 नंबर का होता है। टोटल यहाँ पर 400 नंबर लिखे गए हैं। इसमें से आपके जो प्रैक्टिकल में आपको 180 नंबर मिनिमम लाने हैं और सेशनल में आपको 60 नंबर मिनिमम लाने हैं। तो इस तरह से आपको टोटल यहां पर 240 नंबर मिनिमम लेकर आने हैं, तब आप यहां पर पास माने जाओगे। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके नीचे लिखा गया है कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज 40%, प्रैक्टिकल इज 60%। तो प्रैक्टिकल में आपको 60% नंबर लेकर आने हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें आपको 40% नंबर लेकर आने हैं, तभी आप यहाँ पर पास माने जाओगे। इसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है फ्रेंड्स, वो 19 फरवरी को 111 AITT का रिजल्ट आया है, और जो मार्कशीट है वो भी आज ही जनरेट की गई है। तो यहाँ पर जो आप जब भी मार्कशीट को जनरेट करोगे उसकी डेट यहाँ पर 19 फरवरी 2022 या फिर जब भी डेट, जो भी डेट रहेगी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर थ्योरी के नंबर क्यों नहीं आए हैं या अदर सब्जेक्ट के नंबर क्यों नहीं आए हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो 25 जनवरी और 31 जनवरी को जो DGT है, DGT के द्वारा अप्रेंटिस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कुछ सरलीकरण किया गया है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है, तो उसी के द्वारा यहाँ पर उसी को आधार मानकर आपके जो रिज़ल्ट है वो ओनली प्रैक्टिकल और सेशनल के आधार पर बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक PDF देखना पड़ेगा, तो उस PDF में मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका जो नंबर है वो काउंट किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं
इसका अप्रेंटिस इंडिया का जो 25 जनवरी का पीडीएफ है वो ओपन कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में नीचे लिखा हुआ रहेगा कि एस पर ऑफिस ऑर्डर नंबर MSDE 14 कोष्टक में 02/2021 APPMU डेटेड 25 जनवरी 2022 ITI पास आउट आर एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशन। तो जो ITI पास आउट कैंडिडेट है उन सभी को जो ट्रेड थ्योरी की एग्ज़ाम है उससे मुक्त किया जाता है, मतलब कि जो ट्रेड थ्योरी की एग्ज़ाम है वो इनको नहीं देनी पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमिता विकास मंत्रालय है उसके द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ था 25 जनवरी 2022 का। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है ऑफिस ऑर्डर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रिगार्डिंग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रिफरेंस टू द O&M इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस इन द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द ITI पास कैंडिडेट नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन होल्डर शैल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशन टू गेट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का रेफरेंस ले और देखे कि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है उसमें सिंप्लीफिकेशन किया गया है। और सिंप्लीफिकेशन में क्या किया गया है फ्रेंड्स कि जो ITI पास आउट कैंडिडेट है या फिर जिनके पास NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है उन सभी को NSC प्राप्त करने के लिए थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है नेक्स्ट लाइन में कि द रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क ओबीडियंट इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है फ्रेंड्स वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो नंबर आएंगे उसी को आधार बनाकर रिज़ल्ट दिया जाएगा। और यह ऑर्डर जो है ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। आने वाले जितने भी कैंडिडेट है उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ओनली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी, थ्योरी की या कोई भी अदर एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद लिखा गया है कि ITI पास कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बट नॉट क्लियर्ड द ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये उन सभी कैंडिडेट के लिए भी लागू होगा जिन्होंने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन थ्योरी का एग्ज़ाम पास नहीं किया है, वो सभी को भी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि फर्दर इंडस्ट्रीज इंगेजिंग अप्रेंटिस इन डेजिग्नेटेड ट्रेड मस्ट कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द लास्ट वीक ऑफ ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली द फाइनल सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी इंडस्ट्री है वो सभी अपने अपने अप्रेंटिस के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 1 वीक के अंदर अंदर ले ले अप्रेंटिस ख़त्म होने के बाद में, और उसके बाद प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के आधार पर ही यहाँ पर इनका जो सर्टिफिकेट है वो बनाया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि अब कोई भी थ्योरी की एग्ज़ाम नहीं होंगी। तो अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो अब आपका ओनली यहाँ पर प्रैक्टिकल और सेशनल के आधार पर नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके अभी मार्कशीट जारी हुई है उन सभी कैंडिडेट की मार्कशीट में यहाँ पर केवल थ्योरी और प्रैक्टिकल का ही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और 400 में से यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है कि आपके जो नंबर है वो यहाँ पर थ्योरी के नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है फ्रेंड्स कि जो अप्रेंटिस की जो प्रक्रिया है उसमें पहले 6 महीने में एग्ज़ाम होती थी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जनरेट होने में। तो इसलिए इसको सरलीकरण किया गया है और इसको सरल करने के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो एग्ज़ाम है वो ओनली प्रैक्टिकल और सेशनल के आधार पर ही हो जाएगा और इनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर ओनली 2 सब्जेक्ट ही दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।